स्टूडेंट, आई एम रानी दुबे, योर EVS टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट EVS, चैप्टर 9. नेम इज अप यू गो. सो ओपन योर बुक प्लीज, पेज नंबर 76. अप यू गो. माउंटेनियरिंग कैंप. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी. वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड. 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय. देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. Today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of bed and put my foot down, I screamed in path. I remembered yesterday's 26-kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that slip, climb and the rough narrow path. With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. I was thinking of what I would say to excuse myself from that day's check. Suddenly I heard his deep voice from behind. "Madam, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trek on an empty stomach." Sir, I could not say any more. "You have came to tell me that you have blisters on your feet, that you cannot walk, isn't it?" "Yes, sir." "That is nothing new. Now get ready quickly." पहाड़ पर चढ़ने का कैंप. ये कैंप कहाँ से शुरू हुआ? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से. पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे बड़ी उमंगों के साथ, वेरी एक्साइटेड. कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर थीं, जिनमें से मैं एक थी. बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थीं. आज कैंप का दूसरा दिन था. सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखा तो दर्द के मारे चीख निकल गई. एक ही दिन में पहाड़ी सकरे ऊबर खाबर रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, बैबी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर, बाप रे, कल का वह दिन. मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची. मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर ना जाना पड़े. तभी पीछे से उनकी भारी आवाज़ सुनाई दी, "मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अब, वरना भूखे ट्रैकिंग पर जाना होगा." सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए. "पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती हैं ना आप?" "यस सर," यानी कि जी सर. "यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ." नेक्स्ट पेज. आई हंग माय हेड एंड रस्ड बैक टू गेट रेडी. आई हैड जस्ट टर्न वैन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन. "लिसन मैडम, यू स्टिल लीड ग्रुप मेम्बर 7. यू विल हैव टू हेल्प एनी मेम्बर हु हैज डिफिकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन. यू हैव already been told about the
responsibilities of a group leader in the mountains. मैं मुंह लटकाए जल्दी तैयार होने के लिए, अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज़ सुनाई दी। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं यह सबको बताया जा चुका है। टेल, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स? हैव यू आल्सो क्लाइम्ड अ माउंटेन? व्हेन एंड वेयर? हाउ फॉर हैव यू वॉक्ड एट वन टाइम? हाउ फार कैन यू वॉक? इमेजिन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ ऑन द माउंटेन्स? ड्रॉ अ पिक्चर। बताओ, क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब और कहाँ? तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो और कितना चल सकते हो? इमेजिन यानी कि कल्पना करो। पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते होंगे? ड्रॉ अ पिक्चर यानी कि चित्र बनाओ। अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी। स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग्स। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइम प्रॉपरली। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन वेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर। वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी कि उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, तो वो थी कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, यानी उनसे बैग नहीं उठ रहे हैं तो उनको उठाने में मदद करेगा। कौन करेगा? लीडर। अगला है, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही वो जो लीडर है वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना, फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। सबके खाने पीने का इंतज़ाम करना, अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य के से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या मज़ा। बच्चों, जब कोई लीडर बनता है तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है। यदि जो उसके अंडर में लोग हैं यदि वो गलती करते हैं तो उसकी सजा भी लीडर को भुगतना पड़ता है। टर्न द पेज। ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 डेज आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खोंदोनवी फ्रॉम मिजोरम। सी स्पोक ओनली मिजो वट इन आवर हार्ट्स वी गिव क्लोज टू ईच अदर। ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की, जो मेघालय या हमारे क्या हैं राज्य हैं, उनकी लड़कियों में से मैं अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी, यानी कि सिर्फ हिंदी बोलने वाली यही अकेली थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आती थी। अब ये मणिपुर, असम, मिजोरम में क्या होता है, हिंदी टूटी फूटी चलती है, उधर की अलग बोली है, तो उनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं
मिजोरम की हॉन्दोनवी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। हॉन्दोनवी एक लड़की का नाम है, उसे केवल मिजो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। भाषा भले ही ना आए लेकिन किसी से हम अटैच हो जाते हैं कि नहीं, साथ में रहते रहते। तो एक हॉन्दोनवी नाम की लड़की थी, उससे वो बात नहीं कर पाई क्योंकि उसको सिर्फ मिजो ही आती थी और इनको हिंदी आती थी, लेकिन दिल से वो एक दूसरे को पसंद करती थी और उससे जुड़े रहे। टेल मीन्स बताओ। What do you think about the responsibility of a group leader? How would you feel if you were made a leader in such a camp? What does a monitor in your class have to do? Would you like to be the class monitor? Why? Group leader की जिम्मेदारी के बारे में तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हें ऐसे कैंप में लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे और क्यों? क्रॉसिंग द रिवर, जब नदी पार की। वी गॉट विटामिन सी आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट। दीज वर गिवेन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप। वी टाइड अवर बैंडेज एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू पेग्स और पिटॉन्स ऑन बोथ द साइड्स। आई वॉज फीलिंग नर्वस। I started thinking what would happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियां और उनके साथ में गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ये क्यों मिला? ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए। सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता, पट्टियाँ बांधते और दर्द की मरहम मलते हुए हम रोज एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग यानी कि चढ़ाई जो चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद हम नदी के पास थे। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिटॉन, पिटॉन का मतलब होता खूंटे, खूंटे गाड़ कर जैसे कि क्लाइंबिंग कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये बताया है ये लड़का ये कोने में, ये तो ये रस्सी से वो खूंटों पर रस्सी लगा दी जाती है और फिर उस पर चढ़ते हैं, ये क्लाइंबिंग करते हैं। तो खूंटों से मजबूती से बंधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी, पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो, ये होगा खड़ गए तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आँक रही थी। नेक्स्ट पेज। अवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड वेस्ट इन हिज कमर एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ हुक, स्लिंग बोलते हैं एक हुक को, इन इट। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर वॉकिंग थ्रू द ice water. He went to the other side. No one was ready to step into the fast flowing river. Everyone was pushing each other to go first. I stood last in the line hoping that no one would see me. Just then our instructor came near me with the sling and rope in his hands. I knew there was no escape now. I was ready but did not have the courage. Sir could guess my fears. He called out loudly. 3 cheers for Sangeeta madam. And before I knew it, someone had gently pushed me into the water. हमारे प्रशिक्षक
ने कमरे में वो कमर में रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग, स्लिंग मतलब एक तरह का हुक हुक डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। हुक को बर्फीले पानी में छप छप करते हुए वे नदी के पार थे, वो नदी के पार हो गए। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई, बचाव का और कोई रास्ता ना था। मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई पर करेज यानी साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, थ्री चीयर्स फॉर संगीता मैडम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में पुश कर दिया, पुश्ड मी इनटू द वाटर यानी पानी में धकेल दिया। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन। आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। एज आई वॉक्ड फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीज्ड अप टू माई नेक। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लीपिंग। आई वॉज ऑल्सो स्केयर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स। स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। लगा पैर सुन्न हो गए, मैं कांपने लगी, किट किट करके मेरे दांत बज रहे थे, फ्रोजन यानी पैर जम रहे हैं, सुन्न होना। आई फेल्ट मानो मैंने क्या महसूस किया कि मेरे पैर जम रहे हैं यानी कि सुन्न हो गए। और क्या हुआ, स्टार्टेड शिवरिंग यानी मैं कांपने लगी और मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सी पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुँच गया। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, अब तो बह जाऊंगी। पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्सी से बंधी थी, पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो, रस्सा पकड़ो, इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर हिम्मत करके मैं रस्सा पकड़ कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच गई। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरीड अवे बाय द रिवर बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप यानी कि वो रस्सी से बंधी हुई थी टू द स्लिंग। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप यानी रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। आई कुड हेयर द साउट। आई सम हाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड स्लोली विथ सम करेज। आई रीच द रिवर बैंक, वो किनारे पर आ चुकी थी। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस। तो उन्होंने क्या कि स्पेशल एक विशिष्ट तरह की हैप्पीनेस यानी खुशी का एहसास हो रहा था। एज आई केम आउट ऑफ द वाटर, जैसे ही पानी से बाहर निकली तो एक अजीब तरह की खुशी का एहसास हो रहा था। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विथ करेज। नदी से निकलते ही एक खास खुशी हो रही थी। ये खुशी किस वजह से थी कि एक जोखिम भरा जो काम था वो कर पाने की खुशी थी। और जब हम डर से आगे निकल जाते हैं, कहते हैं ना एक कहावत है, डर के आगे जीत है। और जैसे ही जब वो किनारे पर पहुंचती तो फिर वो दूसरे लोगों को सलाह देने लगी थी कि रस्सी पकड़ के और आराम से आप आ जाओ। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मिला था वो उसी का परिणाम था। जब हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं और उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो एक अजीब तरह की हैप्पीनेस महसूस होती है। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरीड अवे बाय द ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फाइंड आउट एंड राइट यानी कि पता करो और
लिखो। What kinds of tools are needed for climbing mountains? Have you ever seen a hook and rope being used for anything else? Where? What else can we use if we want to cross a river in the mountains? Why do we need extra energy on the mountains? Have you ever heard of anyone who has done something adventurous? What? Have you ever done anything adventurous? If yes, tell your class, write about in your own words. पता करो और लिखो, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है या पड़ती है। रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में होते देखा है? और यदि देखा है तो कहाँ पर देखा है? पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है? वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन? पहाड़ों पर और ज़्यादा हमें ताकत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है? क्या सुना है? क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है? हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? एडवेंचर का मतलब हिम्मत वाला। यदि हाँ, इफ यस, तो क्या करना है? इसे अपनी कक्षा में सुना और अपने शब्दों में लिखो भी। राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में। सॉरी, ये काफ़ी अच्छा पार्ट है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपको बार बार पढ़ना है और समझना है। थैंक यू।